welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to continue with the solution of can we share, let's do homework section. So let's start with question number 4. Fill in the empty spaces in the tables given below. यहाँ पे हमें कुछ empty spaces दी गई हैं, वो हमें fill करनी है. तो सबसे पहले देखते हैं हमें क्या क्या given है. सबसे पहले हमें कुछ numbers दिए गए हैं. Number to be subtracted, यानी कि हमें यहाँ पे कुछ numbers दिए हैं जिसको हमें subtract करना है 35 में से. ठीक है, हाउ मैनी टाइम्स द नंबर कैन बी सब्ट्रैक्टेड मैक्सिमम. अब ये नंबर हम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार 35 में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं वो हमें यहाँ पे लिखना है. एंड डिवीजन फॉर्म, देन हमें डिवीजन फॉर्म में बताना है. ठीक है, तो देखो फर्स्ट सबसे पहले हमें क्या दिया है, 35 सब्ट्रैक्ट करना है हमें 7. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 35 को डिवाइड करेंगे 7 से. ठीक है, सो 35 डिवाइडेड बाई 7, 7 के टेबल में 35 कब आता है, 7 वन ज़ा 7, 7 टू ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35. सो आंसर इज़ 5, 7 5 ज़ा 35. यानी कि हम 7 को मैक्सिमम कितनी टाइम माइनस कर सकते हैं 35 में से, 5 टाइम्स. तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5 टाइम्स. देन नंबर 2, 81 हमें माइनस करना है 9. ठीक है, तो हम 81 को डिवाइड करेंगे 9 से, 81 डिवाइडेड बाई 9. अब 9 के टेबल में 81 कब आता है, तो 9 9 ज़ा 81. ठीक है, सो आंसर इज़ 9. यानी मैक्सिमम हम कितनी टाइम माइनस कर सकते हैं 9 को 81 में से, 9 टाइम्स. सो आंसर इज 9 टाइम्स. देन 40 माइनस करना है हमें 10. ठीक है, यानी कि 10 को हमें माइनस करना है 40 में से. सो 40 डिवाइडेड बाय 10, 40 डिवाइडेड बाय 10, 10 के टेबल में 40 का पता है. सो 10 वन ज़ा 10, 10 टू ज़ा 20, 10 थ्री ज़ा 30, 10 फोर ज़ा 40. सो आंसर इज 4. तो हम मैक्सिमम 10 को कितनी टाइम्स माइनस कर सकते हैं 40 में से, 4 टाइम्स. आंसर इज 4 टाइम्स. यहाँ पे भी हम लिख देंगे 4 टाइम्स. देन नंबर 4, 56 एंड द नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड इज 7. यानी कि 56 में से हमें माइनस करना है 7. सो 56 डिवाइडेड बाय 7. ठीक है, 56 डिवाइडेड बाय 7. अब 7 के टेबल में 56 कब आता है, तो 7 8 ज़ा 56. सो आंसर इज 8. यानी कि हम 7 को मैक्सिमम कितनी टाइम माइनस कर सकते हैं 56 में से, आंसर इज 8 टाइम्स. ठीक है, 8 टाइम्स हम माइनस कर सकते हैं और हमें आंसर मिलेगा 0. देन 36 द नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड इज 6. यानी 36 में से हमें 6 को माइनस करना है. सो 36 डिवाइडेड बाई 6. ठीक है, 36 डिवाइडेड बाई 6, 6 के टेबल में 36 कब आता है, 6 6 ज़ा 36. यानी कि हम मैक्सिमम कितनी टाइम 6 को माइनस कर सकते हैं 36 में से, 6 टाइम्स. सो आंसर इज 6 टाइम्स. देन नंबर 6, 45 नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड इज 5. यानी कि 5 को हमें माइनस करना है 45 में से. सो 45 डिवाइडेड बाई 5, 45 डिवाइडेड बाई 5, 5 के टेबल में 49, 5 कब आता है, 5 9 ज़ा 45. ठीक है, तो मैक्सिमम हम कितनी बार माइनस कर सकते हैं, 9 टाइम्स माइनस कर सकते हैं. सो आंसर इज 9 टाइम्स. देन नंबर 7, 72 नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड इज 9. यानी 72 में से हमें 9 को माइनस करना है. तो 72 डिवाइडेड बाई 9, 72 डिवाइडेड बाई 9, 9 के टेबल में 72 का बात है, 9 8 ज़ा 72. तो हम मैक्सिमम कितनी टाइम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 9 को 72 में से, 8 टाइम्स. सो आंसर इज 8 टाइम्स. देन नंबर 8, 49 द नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड इज 7. ठीक है, यानी 49 में से हमें माइनस करना है 7 को. सो 49 डिवाइडेड बाय 7, 49 डिवाइडेड बाय 7, 7 के टेबल में 49 का बात है, 7 7 ज़ा 49. सो आंसर इज 7. यानी कि हम 7 को 49 में से कितनी टाइम्स माइनस कर सकते हैं, 7 टाइम्स माइनस कर सकते हैं. सो आंसर इज 7 टाइम्स. देन नंबर 9, 64 डिवाइडेड बाय 64 एंड द नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड इज 8. 64 में से हमें 8 को सब्ट्रैक्ट करना है. सो 64 डिवाइडेड बाय 8, 64 को 8 से डिवाइड करेंगे. 8 के टेबल में 64 का बात है, 8 8 ज़ा 64. सो मैक्सिमम 8 टाइम्स वी कैन सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम 64. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हम 8 को 8 टाइम्स माइनस कर सकते हैं 64 में से. देन लास्ट नंबर 10, 90 डिवाइडेड बाय 9, नॉट डिवाइडेड बाय 90 में से हमें माइनस करना है 9 को. सो 90 डिवाइडेड बाय 9, 9 के टेबल में 90 का बात है, 10 ज़ा 9, 10 ज़ा 90. तो मैक्सिमम हम कितने टाइम माइनस कर सकते हैं, 10 टाइम्स. सो आंसर इज 10 टाइम्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 4A. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4B. क्वेश्चन नंबर 4B में भी हमें एक टेबल दिया हुआ है. ठीक है, देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है. नंबर ऑफ़ चिल्ड्रेन यहाँ पे हमें दिया हुआ है, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन. देन नंबर ऑफ चॉकलेट्स, ठीक है, यहाँ पे हमें गिवन है नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स. हाउ मेनी चॉकलेट्स विल ईच चाइल्ड, यानी यहाँ पे हमें बताना है कि हर एक बच्चे को कितनी चॉकलेट्स
मिलेगी। ठीक है, तो देखो फर्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन है 5। ठीक है, 5 चिल्ड्रेन है, नंबर ऑफ चॉकलेट है 40। तो 5 चिल्ड्रेन है, 40 चॉकलेट्स है, तो हर एक बच्चे को कितनी चॉकलेट मिलेगी, तो 40 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, 5 के टेबल में 40 का बात है, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40। सो 5 8 40, यानी हर एक बच्चे को कितनी चॉकलेट मिलेगी, 7 चॉकलेट्स मिलेगी। ओके, देन नेक्स्ट नंबर 2, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस हमें गिवन है, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस दिए हैं 3। देन हमें नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स नहीं दिए हैं, हाउ मेनी चॉकलेट्स ईच चाइल्ड, हर एक बच्चे को कितनी चॉकलेट मिली है, 8 चॉकलेट मिली है। तो 3 चिल्ड्रंस हैं, हर एक बच्चे को 8 चॉकलेट मिली है, हमें फाइंड आउट करनी है नंबर ऑफ़ चॉकलेट। तो हम क्या करेंगे, 3 × 8, तो 3 8 = 24, यानी टोटल चॉकलेट्स थी 24। देन नंबर 3, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस हमें नहीं दिए हैं, नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स दी है 56, और ईच चाइल्ड गेट्स 7 चॉकलेट्स, हर एक बच्चे को 7 चॉकलेट्स मिली है। अब हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ़ चिल्ड्रेन, तो उसके लिए हम करेंगे 56 / 7। 7 के टेबल में 56 का बात है, तो 7 8 = 56, यानी नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस कितने हैं, 8। ओके, तो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस है 8। देन नंबर 4, 7, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस है 7, नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स है 49, हर एक बच्चे को कितना चॉकलेट मिलेगा, तो 49 / 7। 7 के टेबल में 49 का बात है, 7 7 = 49, सो आंसर इज 7, यानी हर एक बच्चे को 7 चॉकलेट्स मिलेंगी। देन नंबर 5, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस है 9, नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स नहीं दिए, एंड हाउ मेनी चॉकलेट्स विल ईच चाइल्ड गेट, 8, यानी हर एक बच्चे को 8 चॉकलेट मिली है। तो टोटल चॉकलेट्स कितनी है, 9 × 8, एंड 9 8 = 72, सो नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स हैं टोटल 72। देन नंबर 6, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस नहीं दिए गए हैं, नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स है 60, हर एक बच्चे को कितनी चॉकलेट मिली है, 6, हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस, सो 60 / 6, 6 के टेबल में 60 का बात है, 6 10 = 60, सो आंसर इज 10, यानी नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस कितने हैं, 10। देन नंबर 7, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस है 8, नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स है 72, हमें फाइंड आउट करना है हाउ मेनी चॉकलेट्स ईच चाइल्ड गेट्स, सो 72 / 8। अब 8 के टेबल में 72 का बात है, तो 8 9 = 72, सो आंसर इज 9, यानी हर एक बच्चे को 9 चॉकलेट्स मिल रही हैं। देन नंबर 8, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रेन है 4, नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स नहीं दिए हैं, हर एक बच्चे को कितनी चॉकलेट मिली है, 9, सो 4 × 9, सो 4 9 = 36, यानी टोटल नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स है 36। देन नंबर 9, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस नहीं दिए हैं, नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स दी है 50, एंड हर एक बच्चे को मिली है 5 चॉकलेट्स, हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, सो 50 / 5, 5 के टेबल में 50 का बात है, 5 10 = 50, सो आंसर इज 10, यानी नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस है 10। देन नंबर 10, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस है 6, नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स है 48, हमें फाइंड आउट करना है हाउ मेनी चॉकलेट्स ईच चाइल्ड गेट्स, सो 48 / 6, 6 के टेबल में 48 का बात है, तो 6 8 = 48, सो आंसर इज 8, यानी हर एक बच्चे को चॉकलेट मिल रही है 8। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, यहाँ पे हमें वर्ड प्रॉब्लम्स दी गई हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन रीड करेंगे और वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हमें दिया है, इफ़ 27 बेरीज आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 9 चिल्ड्रेन, हाउ मेनी बेरीज विल ईच चाइल्ड गेट। ठीक है, 27 बेरीज को कितने चिल्ड्रंस में डिस्ट्रीब्यूट किया है, 9 चिल्ड्रंस में डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो हर एक चाइल्ड को कितनी बेरीज मिलेगी, तो 27 को हम डिवाइड करेंगे 9 से, 27 / 9। ठीक है, तो 9 के टेबल में 27 का बात है, 9 1 = 9, 9 2 = 18, 9 3 = 27, 27 - 27 = 0, सो आंसर इज 3। ओके, यानी कि हर एक चाइल्ड को 3 बेरीज मिलेंगे, देयरफॉर ईच चाइल्ड विल गेट 3 बेरीज। देन नंबर 2, इफ़ ईच गार्लैंड रिक्वायर 8 फ्लावर्स, हाउ मेनी गार्लैंड्स कैन बी मेड फ्रॉम 72 फ्लावर्स, हर एक गार्लैंड्स में कितने फ्लावर्स लगाएं, 8 फ्लावर्स लगाएं, तो हम 72 फ्लावर्स में से कितने गार्लैंड्स बना सकते हैं। ठीक है, तो 72 / 8, 72 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा 8 से। ठीक है, तो 8 के टेबल में 72 का बात है, तो 8 1 = 8, 8 2 = 16, 8 3 =
24, 8 fours are 32, 8 fives are 40, 8 sixes are 48, 8 sevens are 56, 8 eights are 64, 8 nines are 72. So 8 nines are 72. 72 minus 72, 0. So answer is 9. Yani ki 72 flowers mein se hum 9 garlands bana sakte hain. Therefore 9 garlands can be made from 72 flowers. Now next, number 3. Number 3 is, if 45 beads are divided into 5 equal parts, how many beads will be there in each part? 45 beads ko divide karna hai 5 equal parts mein. ठीक है, तो हर एक पार्ट में कितने बीड्स होंगे? 45 डिवाइडेड बाय 5. ठीक है, 45 को डिवाइड करेंगे 5 से. ठीक है, 5 के टेबल में 45 का बात है. 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10, 5 थ्री ज़ा 15, 5 फोर ज़ा 20, 5 फाइव ज़ा 25, 5 सिक्स ज़ा 30, 5 सेवन ज़ा 35, 5 एट ज़ा 45, 9 ज़ा 45. माइनस 45 माइनस 45 इज़ 0, सो आंसर इज़ 9. तो हर एक पार्ट में कितने बीड्स होंगे? 9 बीड्स होंगे. देयरफॉर 9 beads will be there in each part. Then number 4. If one pen cost 10 rupees, how many pens can be purchased in 70 rupees? Ek pen ka cost 10 rupees hai. Toh hum 70 rupees mein se kitne pens purchase kar sakte hai? So 70 divided by 10. 70 ko hum 10 se divide karenge. Chalo divide karte hai. 10 ke table mein 70 ka baat hai. 10 ones are 10. 10 2s are 20, 10 3s are 30, 10 4s are 40, 10 5s are 50, 10 6s are 60, 10 7s are 70. So 10 7s are 70. 70 minus 70, 0. So answer is 7. यानी कि हम 7 pens purchase कर सकते हैं. Therefore, 7 pens can be purchased from 70 rupees. 70 rupees में से हम 7 pens purchase कर सकते हैं. Now next, number 5. Number 5 is, if 54 marbles are divided into 6 equal parts, how many marbles will be there in each part? 54 marbles ko divide kiya hai 6 equal parts mein. Theek hai, to har ek part mein kitni marbles hogi? So 54 divided by 6, 54 ko hum 6 se divide karenge, hame pata chal jayega kitni marbles hai har ek part mein. So 6 ke table mein 54 ka baat hai. 6 9 za 54 minus 54 minus 54, 0. So answer is 9. यानी कि हर एक पार्ट में कितनी marbles हैं? 9 marbles हैं. Therefore, 9 marbles will be there in each part. Now, number 6. How many cows will have a total of 24 legs? कितनी cows के 24 legs होंगे? सबसे पहले तो 1 cow के कितने legs होते हैं? 4 legs होते हैं. तो 24 legs कितनी cows के होंगे? तो 24 divided by 4. 24 को 4 से डिवाइड करेंगे. 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 24, 6 ज़ा 24 माइनस 0. तो कितनी काउज होंगी? 6 काउज होंगी. ठीक है, therefore 6 काउज विल हैव अ टोटल ऑफ 24 लेग्स. नाउ नेक्स्ट, नंबर 7. नंबर 7 इज, इफ 56 चॉकलेट्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 7 चिल्ड्रेन, how many chocolates will each child get? 56 chocolates हैं, equally distribute किए 7 children में. ठीक है, 56 chocolates 7 children में equally distribute किए, equally बांटती है. तो हर एक बच्चे को कितनी chocolates मिलेंगी? So 56 divided by 7. 56 को divide करेंगे 7 से. ठीक है, 7 के table में 56 कब आता है? 7 8s are 56. 56 minus 56, 0. Answer is 8. हर एक बच्चे को कितनी chocolate मिली? 8 chocolates. Therefore, each child will get 8 chocolates. Then number 8, how many auto rickshaws will have a total of 27 tires? Kitni auto rickshaws ke 27 tires honge? To sabse pehle to ek auto rickshaw ki kitne tires hote hain? 3 tires hote hain. To 27 tires kitne rickshaw ke honge? To 27 divided by 3. 27 ko hum divide karenge 3 se. 3 ke table mein 27 ka baat hai. 3 9s are 27. 27 minus 27, 0. आंसर इज 9. यानी कि 9 ऑटो रिक्शास के 27 टायर्स होंगे. देयरफॉर 9 ऑटो रिक्शास विल हैव अ टोटल ऑफ 27 टायर्स. ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 होता है खत्म. अलॉन्ग विद दैट हमारा चैप्टर भी होता है खत्म. सो इफ यू हैव एनी डाउट, क्वेरी और सजेशन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू चैप्टर. टिल देन, बाय, टेक केयर.